आपने हाल फिलहाल SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य वाला किस्सा तो सुना ही होगा, काफी ज्यादा वायरल है। जहाँ पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उसका SDM बनने में सपोर्ट करता है, वहीं पर पत्नी SDM बनने के बाद में अपने पति से बेवफाई करके किसी और गैर मर्द से अफेयर चालू कर देती है। इस मुद्दे के वायरल होने से हुआ क्या कि देश भर में जितने भी पति अपनी पत्नियों को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी पढ़ाई में उनकी तैयारी मदद कर रहे थे, उन सभी का भरोसा उठ गया और उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया या फिर उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। कुछ पति काफी टाइम से बहाना ढूंढ रहे थे, उनको एक अच्छा खासा बहाना भी मिल गया। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि इसी परफेक्ट टाइम पर एक परफेक्ट मूवी आई है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कैसे एक पति अपनी पत्नी को हर मुसीबत में सपोर्ट करे, तो उसी पत्नी को वुमन ऑफ द ईयर और पद्मश्री अवार्ड जैसे बड़े बड़े सम्मान मिल सकते हैं। मूवी का नाम बताने से पहले एक बार मैं आपको उस मूवी के बारे में बता देता हूँ। एक ताडला नाम की लड़की होती है जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है। उसे कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो कुछ बड़ा क्या है। अब उस लड़की को ये डर है, यदि मैंने शादी कर ली तो मैं शादी के बाद में वो कुछ बड़ा कर नहीं पाऊंगी। अब वो अपने होने वाले पति से ये आश्वासन ले लेती है कि भाई यदि मुझे शादी के बाद कुछ बड़ा करना हुआ या कुछ भी करना हुआ तो आप मुझे हर तरीके से सपोर्ट करोगे। अब शादी के बाद लगभग 11 साल तक निकल जाते हैं, लेकिन ताडला की जिंदगी किचन से लेकर उसके बच्चों तक बस सिमट कर रह गई है। फिर कहानी की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बैठती है कि ताडला को एक दिन समझ में आता है कि उसके अंदर कुकिंग का काफी अच्छा खासा हुनर है, अब वो कुकिंग क्लासेस खोलना चाहती है। लेकिन कुकिंग क्लासेस खोलने के बाद में आती है असली दिक्कतें। अब एक पति एक बहू और माँ की कमी तो पूरी कर नहीं सकता और बीवी को काम करने से रोक नहीं सकता। अब देखना यही कि कैसे ताडला और उसका पति इस सिचुएशन से डील करते हैं। इस मूवी का नाम है ताडला, जो कि G5 प्रीमियम पर अभी रिलीज हुई है। एक रियल इंडियन वुमन ताडला दलाल और उनके पति की ही ये कहानी है। इन्हीं ताडला दलार को आगे जाकर 2007 में पद्मश्री अवार्ड मिलता है और 2005 में वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। उन्होंने अपनी लाइफ में 100 से ज्यादा कुकिंग की बुकिस लिखी है और लगभग 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज उनकी बिक चुकी थी। जिन्होंने दंगल मूवी और छिछोरे मूवी लिखी है, उन्होंने ही इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट भी किया है। नाम है पीयूष गुप्ता। मूवी बहुत ही बढ़िया है और हर उस बंदे को एक बार तो देख लेनी चाहिए जो SDM ज्योति मौर्य की बेवफाई के ट्रेंड के चलते अपने अपनी बीवियों को सपोर्ट करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि वो भी असली कहानी है, ये भी असली कहानी है। अब देखना तुम्हें कि किस कहानी से इंस्पिरेशन लेनी है। अब देखो, मूवी की कहानी रियल है, इसी वजह से मूवी के अंदर बहुत ज्यादा मसाला या उतार चढ़ाव नहीं है, क्योंकि असली जिंदगी में छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हीं से बड़ा बड़ा इंपैक्ट होता है। तो छोटे छोटे मोड हैं जो कि कहानी के हिसाब से आपको लग सकता है कि बहुत ही सिंपल सिंपल चल रहे, लेकिन बहुत ही ज्यादा कनेक्टिंग है। और ऊपर से मूवी को जिस तरीके से बनाया गया है और हुमा कुरैशी और शरीफ हाशमी ने जिस तरीके से इस मूवी में किरदार निभाया, लिटरली भाई साहब आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। मूवी का BGM अच्छा है, कहानी बिल्कुल आम परिवार की सी कहानी, सब कुछ कनेक्टिंग लगता है और यहाँ तक कि इमोशनल सीन्स है, उसमें कुछ कुछ इमोशनल आप होते भी हो। जो बंदे इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं शायद वो कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं मेरी तरह। ये मूवी कहने के उन बंदों के लिए एक इंस्पिरेशन बन के भी बाहर आ सकती है जो कि अपनी लाइफ में ये नहीं जानते कि उनको कुछ बड़ा करना है तो वो क्या कुछ करना है। मूवी पूरे तरीके से फैमिली मूवी है, ना कहीं बोल्ड सीन है, ना कोई गाली गलौज है और ना ही कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आप आगे किसी के सामने देख भी नहीं सकते। आजकल फैमिली मूवी कम आ रही है भाई लोग। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर ताडला मूवी वो ये है कि देखो, एक असल जिंदगी की कहानी है जिसके अंदर एक ताडला दलाल नाम के और उनके पति की जो असली जिंदगी है उसको दिखाया गया है। जिनको बहुत ज्यादा मसाला चाहिए होता है मूवी के अंदर, वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन सादगी कूट कूट कर भरी हुई है। कैसे एक पति के सपोर्ट से पत्नी बुलंदियों को छूती है वो हमें पता चलता है। विद फैमिली विदाउट फैमिली कैसे भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। हुमा कुरैशी और शरीफ हाशमी ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए और इस मूवी को देखने के बाद में आपको काफी पॉजिटिविटी फील होगी। बहुत इंटरेस्टिंग और सोबर सी मूवी है। और यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूँ तो मैं रेटिंग्स दूंगा 4.1/5। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक एन की टिप्पणी की ये टिप्पणी नई मूवी पे आपको कैसे लगी आप टिप्पणी करके हमें बता सकते हो। और ज्यादा ही मजे आए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। टिप्पणी मतलब टिप्पणी। ये देखो, सब्सक्राइबर की भीख मांगते मांगते भी रायता फैला गया।